हेलो एवरीबडी पिछले एपिसोड में हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की थी आपके साथ सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स के बारे में आज मैं आपसे किडनी स्टोन्स के कॉमन सिम्टम्स हैं जो वो डिस्कस करने जा रहा हूँ तीन चार ऐसे सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन्स के जो बहुत कॉमनली दिखने को मिलते हैं सबसे पहला पेन किडनी स्टोन में अक्सर पेन जिसम के इस हिस्से में होती है लोअर साइड ऑफ अपडामन और अक्सर ये पेन बैक में रेफर हो जाती है लंबर रीजन में यह सबसे कॉमन सिम्टम है किडनी स्टोन का इस पेन के साथ वोमिटिंग भी हो सकती है नाज़िया भी रह सकता है पेन विद वोमिटिंग आर पेन विद नाज़िया दूसरा कामन सिम्टम जो है वो पेशाब में खून आना हो सकता है अगर आपके पेशाब में खून आता है और ये किडनी स्टोन की वजह से है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं स्टोन निकलने के बाद ये ठीक हो जाएगा एक और कारण होता है पेशाब में खून आने का जो कि खतरनाक हो सकता है सो खून अगर आ रहा है और किडनी स्टोन की वजह से आ रहा है तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता तीसरा कॉमन सिम्टम जो है पेशाब रुक रुक के आना या बार बार आना जब एक किडनी स्टोन यूरेटर में खिसक जाता है और पेशाब की थैली के पास आ जाता है तो अक्सर पेशेंट को बार बार पेशाब आता है और रुक रुक के आता है एक और सिम्टम कॉमन है किडनी स्टोन का वो है फीवर फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स कम कम के साथ बुखार आता है ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है जब एक इन्फेक्टिव किडनी स्टोन हो या किडनी स्टोन के साथ यूरनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के बारे में जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स को होते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद थैंक यू डेंके ग्रेसियाज मर्सी अब आप सोचोगे ये सब मैं क्या बोल गया तो ये डिफ़रेंट डिफरेंट थैंक यू के वर्ड्स हैं कुछ जर्मन के कुछ स्पेन के कुछ फ्रांस के क्योंकि जर्मनी से मेरा काफ़ी पुराना नाता है दो साल मैं रिचर्ड वुल्फ कंपनी में कंसल्टेंट का, का काम किया है मैंने और अभी हाल ही में हमने अपने आरपी स्टोन क्लिनिक के ऑपरेशन थिएटर से लाइव टेलीकास्ट किया था आरआईआरएस टेक्निक का हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जर्मनी में तो काफ़ी मेरा लिंक रहता है जर्मनी के साथ इसलिए मैंने ये वर्ड्स वैसे ही यूज़ कर लिए थैंक यू